पिछली वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, सिंपली हम कह सकते हैं जिनको माप सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और हम ये भी कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड देयर मेजरमेंट इज नेसेसरी। द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच laws of physics are described and their measurement is necessary। ठीक है, या हम कह सकते हैं और क्या कहते हैं कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटीज। नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की जरूरत क्यों है? फॉर द प्रेसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फिजिकल फिनोमिना वी नीड द मेजरमेंट। कोई भी फिजिकल फिनोमिना है, कोई भी घटना है, कोई भी चीज हमने ऑब्जर्व की है, उसके बारे में हमारी नॉलेज कंप्लीट तब तक नहीं होती जब तक हम उसको मेजर ना कर पाए। After the measurement, our knowledge is completed। तो किसी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, आपने कोई भी जो है व्हीकल देखा जा रहा है, मूव कर रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि व्हीकल मूव कर रहा है, व्हीकल कैसा, कितना साइज है, कितनी स्पीड से, किस डायरेक्शन में, ये सब मेजर करोगे, उनके बारे में बताओगे, तब जो क्या है इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज तो मेजरमेंट की जरूरत क्या है? इसलिए है फॉर प्रेसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, हमें मेजरमेंट की जरूरत है, नीड ऑफ मेजरमेंट है। What is measurement? Measurement actual में है क्या? We measurement सब करते हैं, लेकिन define कैसे करेंगे? What is the measurement? Measurement is the comparison। Comparison process है। क्या करते हैं इसमें? In which an unknown quantity unknown quantity is compared with a known quantity। ठीक है, तो एक कोई भी अननोन क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी जिसका हमें नहीं पता कितनी है, क्या है, मतलब उसके उसको हमें मापना है। मान लीजिए लेंथ है, कोई हमें रोड दे दी, कोई मार्कर है, मान उसकी लेंथ बतानी है, आप इसको कैसे मेजर करोगे? इसको इसकी तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा किसके साथ, जिसका हमें पता हो, वो चाहे सेंटीमीटर है, चाहे वो मीटर है, चाहे वो मिलीमीटर है, चाहे आप ऐसे उंगलियों से मापे, मतलब जिसका आपको पता हो उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। दैट कंपैरिजन प्रोसेस इज द मेजरमेंट। उस प्रोसेस में आपको क्या मिलेगा? इन दिस प्रोसेस वी गेट, इन दिस प्रोसेस We get क्वांटिटी के लिए हम जैसे क्यू लिख दें, नंबर के लिए एन, यूनिट के लिए यू, तो आप उस मेजरमेंट को करने के बाद आपको ऐसे कैसी इक्वेशन मिलेगी, मतलब क्या हुआ इसमें? देखिए यहाँ पर जो एन मिला हमें, एन एन क्या है? इट इज द नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स दिस यूनिट कंटेंड इन दिस क्वांटिटी।
मान लीजिए आपने कोई लेंथ मापी है ए से बी तक की और आपने इसमें सेंटीमीटर ले लिया, तो आप ये देखोगे ना कि इस लेंथ में सेंटीमीटर कितनी बार आया, वो मान लो एन टाइम आया। मान लो आपने यहाँ पे लेंथ निकाली, वो आपकी आई 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो एन इज 20 इज एन नंबर, सेंटीमीटर इज द यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को चाहे आप कोई भी माप रहे, उसमें ये देखोगे कि जो आपने नॉन क्वांटिटी ली थी उस अननोन क्वांटिटी में कितनी बार आ रही है, दैट प्रोसेस इज मेजरमेंट। उसमें आपको ये इक्वेशन मिली क्यू इक्वल टू एन यू। अब यहां पर एक खास बात, वट एवर बी दी यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी रिमेन्स सेम, आपने यूनिट चाहे कोई भी ली है, छोटी है बड़ी है, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट, वो उतनी रहेगी। अगर यू छोटा है एन बड़ा आ जाएगा, यू बड़ा है एन छोटा आ जाएगा। जैसे कि हम इस तो हम कह सकते हैं सो क्यू विल बी इक्वल टू एन वन यू वन एन टू यू टू इफ यू टू ग्रेटर देन यू वन देन एन टू विल बी लेस देन एन वन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहीं पर आप देख लीजिए, अगर ये एल आपने लिखा लेंथ 20 सेंटीमीटर, अगर आप यूनिट मिलीमीटर ले लेते तो यही आपको 200 मिल जाता। ठीक है, अगर आपने यूनिट छोटी कर दी एन बड़ा हो गए, लेकिन चीज बात तो वही है ना, मैग्नीट्यूड उतना ही, 20 सेंटीमीटर 200 मिलीमीटर एक ही चीज है, मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, तो ये थी मेजरमेंट, मेजरिंग प्रोसेस। अब बात आती है आपकी, व्हाट इज दिस यूनिट, ये यूनिट क्या है। ऐसा आपको क्लियर हो गया होगा अभी यूनिट, यहां पर यूनिट क्या है एक्चुअल में। यूनिट एक वो नॉन क्वांटिटी है जो हमने सिलेक्ट की है किसी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, एक स्टैंडर्ड वैल्यू इसका हम पता है, तो हम यूनिट को क्या कह सकते हैं, इट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू सिलेक्टेड to measure an unknown quantity. ठीक है, वो यूनिट है। अब एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, यूनिट शुड बी ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द अननोन क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने चूज की, वैसे मतलब लेंथ को मापने के लिए हम लेंथ ही चूज करेंगे, चाहे कितनी भी ले हम वो सिलेक्ट करें, चाहे सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में। ये तो नहीं है कि लेंथ मापने के लिए और आपको मैं मास दे दूं 1 किलोग्राम का या और कुछ दे दूं, तो थर्मोमीटर से तो आप नहीं माप सकते ना लेंथ, से टेम्परेचर मेजर किया जाएगा। तो मेजरमेंट यूनिट जो है, यूनिट शुड बी ऑफ द सेम नेचर, यानी इट शुड बी ऑफ सेम नेचर as that of unknown quantity. जिस नेचर की आपकी अननोन क्वांटिटी है, यूनिट भी वैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। व्हाट इज मास, मास क्या है। तो मास एक्चुअल में क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, किसी वस्तु में कितना पदार्थ है, चाहे वो किसी से बनी हो, ये मार्कर है प्लास्टिक से बना है, उसमें कितना प्लास्टिक लगा, उसकी क्वांटिटी क्या है, मास। तो मास इज दी
इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, कॉमन यूनिट इज किलोग्राम। वैसे बहुत सारे यूनिट है अलग अलग, लेकिन कॉमन हम किलोग्राम बोलेंगे। व्हाट इज लेंथ? लेंथ बेसिकली एक डिस्टेंस है, सेपरेशन है कि नहीं दो पॉइंट का। किसी वस्तु की लेंथ कहें तो डिस्टेंस ऑफ द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो लेंथ इज द सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और आप ऐसे भी कह सकते हो लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू एक्सट्रीम पॉइंट्स जैसे कि बोर्ड की लेंथ कहें हम तो यहां से यहां मापेंगे एक्सट्रीम, ये तो नहीं कि बोर्ड की लेंथ यहां से यहां मापेगा, बोर्ड की लेंथ बोलते यहां से यहां या यहां से यहां या इन दो को, तो ये लेंथ है। सारी अलग अलग नाम देते हैं, लेंथ है, ब्रेथ है, डायगोनल है, बेसिकली है सारी लेंथ ही। कॉमन यूनिट इज मीटर, एम से टाइम। टाइम इज एक्चुअली द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाई क्लॉक। टाइम इज दैट ए क्लॉक रीड्स, जो घड़ी पता है वो समय है। ढंग से डेफिनेशन नहीं हुई, ऐसी डेफिनेशन है टाइम की। और ये कह सकते हैं इट इज द अकरेंस, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, और इट इज द इंटरवल ऑफ द अकरेंस ऑफ द टू इवेंट्स। इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। बेसिकली हम कह दें टाइम इज दैट ए क्लॉक रीड्स, और इट इज द क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट द इंटरवल ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, बेसिक यूनिट इज कॉमन यूनिट, बेसिक यूनिट को हम कहें सेकेंड, स्मॉल एस से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी मास, लेंथ और टाइम। आगे बढ़ते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट सुनिए क्या है। अगर हम बात करें मैकेनिक्स में तो केवल हमारे पास तीन फंडामेंटल यूनिट्स तो अभी हमने पढ़े, मास, लेंथ एंड टाइम। बाद में फिजिक्स की और बढ़ना चाहिए तो कुछ क्वांटिटी और आ गई जो बिल्कुल डिफरेंट थी इनसे, जिनकी यूनिट मास, लेंथ, टाइम से नहीं मिली। तो आज हमारे पास सात फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में। तो हम मैकेनिक्स की हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं इन मैकेनिक्स देयर आर यूनिट्स ऑफ मास,
लेंथ एंड टाइम विच आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल अदर यूनिट्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज यूनिट्स इन मैकेनिक्स दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. इनसे जो बनेंगी वे कहलाएंगी डिराइव्ड यूनिट्स. तो यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. अच्छा अभी मैंने बताया कि ये मैकेनिक्स में केवल है तीन फंडामेंटल यूनिट्स, नहीं तो आज हमारे पास हैं बट इन एसआई सिस्टम देयर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, तो ये हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट हम बात करते हैं जो फंडामेंटल से मिलती हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, जैसे कि स्पीड. स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. यानी ये एक लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर पर सेकंड. तो ये क्या है? एक ड्राइव्ड यूनिट है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर, सब लेंथ मास टाइम से फंडामेंटल यूनिट से बनी है. तो फंडामेंटल यूनिट से बनने वाली यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स. और अब हम बता रहे हैं चॉइस ऑफ यूनिट, और हम कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट. कि जो हमारी यूनिट हम जो लें वो कैसी हो. ये तो है नहीं कि सबको अलग अलग अधिकार दे दिया जाए यूनिट का. अगर ऐसा हो तो काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी. क्योंकि मान लो किलोग्राम की हम बात करते हैं, अगर आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप अपना किलोग्राम लेके जाओगे भारी सा कि भाई एक किलोग्राम ये दे दो मेरे. और जो दुकानदार होगा जो देने वाला है उसका किलोग्राम छोटा सा होगा, भाई ये है लो एक किलोग्राम, हो गया झगड़ा. तो यूनिट ऐसे नहीं हो सकती कि कोई भी बना ले. तो इसलिए यूनिट के कुछ गुण क्या होने चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इजीली एक्सेसिबल. आसानी से मिल जाए, ये नहीं कि यूनिट किलोग्राम मिले ही नहीं, किलोग्राम का वजन मान लो हो जाए कि दोबारा मिले ही नहीं, या किसी को मिल रहा किसी को नहीं मिले. इजीली रिप्रोड्यूसिबल, डू नॉट डज नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ बदले नहीं. कि आज एक मीटर का मतलब कुछ और है एक महीने के बाद, या एक साल के बाद, या दस साल के बाद कुछ और हो. डज नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा. इट शुड बी वेल डिफाइंड. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि मतलब एक मीटर तो क्या है, एक किलोग्राम तो क्या है. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, करैक्टरिस्टिक्स थी यूनिट की. यहाँ तक हमने पढ़ा, आगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आगे बढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, पहले कौन से थे अब कौन सा है उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.